माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों पूनम प्रभाकर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा धन है जो मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ता और अंत तक साथ देता है। इसलिए अगर कोई धन एकत्रित करना है तो वे प्रभु नाम का करें। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान में छुपा हुआ एक गुण उसके जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है। उन्होंने बताया कि मां बंगलामुखी जी के निमित्त एक भव्य माता की चौकी का आयोजन 9 जनवरी 2023 दिन सोमवार को मंदिर परिसर में 8:30 बजे से शुरू होगा एवं विशाल लंगर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने सभी मां भक्तों को इस शुभ अवसर पर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर अभिनंदन प्रभाकर, संजीव सौंधी, प्रिंस कौंडल, राकेश प्रभाकर, मोहित बहल, बाबा खन्ना, समीर कपूर, संजीव शर्मा, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रलहन, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, विक्रम भसीन, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, अश्विनी शर्मा, संजीव सांवरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कोई सरदार गुण लेके पैदा होया, कोई काष्ठकार लेके गुण पैदा होया, कोई कैमरा लेके पैदा गुण होया, कोई पेंसिल लेके पेन लेके गुण पैदा होया, कोई रोटी बनाने वाला ते कोई रोटी खवाने वाला, कोई ब्राह्मण बहुत वधिया भजन कीर्तन करते हैं, कुछ पूजा अर्चना करते हैं। सो हर इंसान का जिहड़ा एक गुण है वो अपने आप पैदा होया उस गुण नूं लैके, पर एंड दे विच लैके की जांदा ये देखना, लैके सिर्फ जाना परमात्मा का सिमरन, ध्यान, भजन, कीर्तन, ये जिन्ना इकट्ठा किया हो थोड़ा, जिदा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, जिन्ना ओनू सुमिरन करांगे ओनी कृपा प्राप्ति होगी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। बड़ी अजीब जी गल है, कहते असी नाम आधारा है पर काम उधार वाले करने सारे। बगलामुखी धाम के वीरवार जोड़ा लगातार चलते है हवन यज्ञ वो होए है, उन्होंने उपलक्ष्य अज पूनम प्रभाकर जी का जन्मदिन से उन्होंने मुख्य यजमान बना के उन्होंने को सारिया अहुतियां डलवाई गई हैं। इतने अपने मंदिर के जोड़ा भी भगत आता है उनकी मनोकामना जिड़ी भी कोई करता है वो हमेशा पूरी होंगी है और जय जयकार होंगी रही हैगी है। और 9 तरीक न माता जी की एक विशाल चौंकी का आयोजन किया जा रहा है, तो सारे भगतों को खुला सद्दा है कि वह 9 तरीक न रात को 8 बजे तो लैके अगे तक सारी जी चौंकी चलेगी लगभग 10 बजे तक, तो उस तो बाद लंगर भंडारा जोड़ा प्रसाद का प्रबंध किया गया है। सारे भगत आप भी आन तो अपने भावों भैनों रिश्तेदार साथियों सारा नाल लैके आन ता जो महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके ते खुशियां ते भंडारे भरे जान। जय माता दी। माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी में आके बड़ा मन प्रसन्न हुआ और सारे पत्रकार साथियों के लिए हमने आज यज्ञ में शामिल हुए, हमारी माता जी से यही मनोकामना है कि जिन्हें मेरे पत्रकार साथी ने सब भले चंगे रहें, बढ़िया काम करें,
समाज के लिए काम करे, बढ़िया लिखे ताकि समाज में कुछ बदलाव आए। इस तरह की असि सारे कहने हैं, ना जाना मैंने होटल वोटल, ना जाना बाजार, माँ के द्वार जाना है, जन्मदिन वही मनाना है। साड़ी वड्डी भैन पूनम प्रभाकर जी का जन्मदिन है, महामाई इदा ही इन्हों के परिवार से मेहर भरिया हाथ रखे और मंदिर के नाल जिदा सेवादार मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के सेवा करते हैं तन मन धन तो, महामाई इन्हों शरीक रोकता दे, घर परिवार सुख शांति दे, मन दियाँ मुरादा महामाई पूरियां करें। इस आस उम्मीद के नाल अज महामाई का जिहड़ा आशीर्वाद है दवाया अपनी भैन नूं और मुख्य यजमान रूप दे विच बिठा के हवन यज्ञ जिन्होंने आहुतियां डालियां, इदां ही सारे जिहड़े भी साडे सेवादार वो लगातार माँ के दरबार के उत्ते हवन यज्ञ आहुतियां डालते हैं और मुख्य यजमान भी बनते हैं। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 9 जनवरी सोमवार को एक भव्य महामाई की चौंकी का आयोजन किया जा रहा, सारिआं नूं खुला सद्दा है, आप भी आओ अपने परिवार नाल आ के पक्कीआं भेटां मंत अश्विनी शर्मा जी करनगे। 8 बजे तो 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा और नाल महामाई का खुला लंगर जिहड़ा लगाया जा रहा, आप भी आओ अपने परिवार के नाल शामिल होकर अपनियां झोलियां खुशियां नाल भरो। जय माँ बगला मुखी। नव वर्ष के उपलक्ष्य में पटेल चौक बस्तियां सब डिवीजन आदर्श नगर जालंधर में श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ का आयोजन बड़ी श्रद्धा एवं सत्कार सहित किया गया। श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों के सहयोग से सुख शांति की मंगल कामना हेतु करवाए गए। इस अवसर पर SC इंद्रपाल सिंह, XCN सनी, SDO कमलप्रीत सिंह, SDO सुरजीत सिंह, PSU के प्रधान सोमराज सहित सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। अज समूह स्टाफ ते ऑफिसर साहबान बस्तियां उपमंडल PSPCL जलंधर अते पटेल चौक उपमंडल PSPCL जलंधर वालों सांझे तौर ते नवें साल की आमद उत्ते अपने दफ्तर विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाज़री विच बैठ के पहला पाठ सरवण किया ते उस उपरंत कीर्तन सरवण किया अते नाल ही गुरु महाराज का नवें साल विच उद्यम अते बल बख्शन लई अरदास कीती अते नाल ही ये भी अरदास कीती कि सारा स्टाफ PSPCL अदारा रल के पंजाब दे लोकां लई चंगा काम कर सके अते परमात्मा उद्यम अते बल बख्शे अते परमात्मा समूह कर्मचारी जिहड़े कि बड़े औखे समय दे विच अपनी जिंदगी नूं खतरे च पा के काम करदे ने उन्हां ते मेहर भरिया हथ रखे अते उन्हां नूं किसे तरह की भी औकड़ तों बचा के रखे। अज इस समय नवें साल की आमद पर जिथे सारे स्टाफ ने एक दूजे को बधाइया दित्तियां उत्थे ही गुरु महाराज के हजूरी विच प्रण किया कि वह पंजाब के लोगों की होर भी वध चढ़ के सेवा करनगे अते महकमा PSPCL अते पंजाब राज नूं समुचे तौर दे उत्ते अगे ले जाण विच कोई कसर नहीं छड्डणगे। गिद्दड़ बहा के श्री राम भवन में अखंड श्री रामायण पाठ का शुभारंभ मंदिर के मुख्य पुजारी भोला राम पंडित जी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर सामाजिक संस्था एंटी करप्शन पंजाब के ज्वाइंट सचिव सतीश कुमार गर्ग एवं गगन वर्मा की ओर से विधि विधान के साथ भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना करवाई गई। इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आचार्य महोदय
कुलदीप शर्मा और नंदू जी महाराज ने बताया कि प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को श्री सालासर बालाजी के नाम से मंदिर में लंगर लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि भवन में अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया है, जिनका भोग शुक्रवार को डाला जाएगा। आज हर साल की तरह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष के उपलक्ष्य पर श्री राम भवन गिदड़वा पंजाब में अखंड रामचरितमानस का पाठ रखा गया है, जिसमें राजस्थान से पंजाब से ब्राह्मणों के मुख से प्रवचन और भगवान रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है वो आपको सुनाया जाएगा। और सभी धर्म प्रेमी वह भगवान के भगत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें और भगवान रामचरित्र का जो पाठ का आनंद है वो उठाएं। श्री राम भवन गिदड़वा विच अज हर साल की तरह रामायण के पाठ का शुभारंभ किया गया है और कल समाप्ति तो बाद हवन और लंगर का आयोजन किया जाएगा। और श्री राम भवन गिदड़वा विच हर महीने पूर्णमासी वाले दिन और संक्रांति वाले दिन भंडारा किया जाता है। एकादशी वाले दिन महिला मंडल द्वारा सत्संग किया जाता है। कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा जालंधर में निशुल्क दुख निवारण चंडी महायज्ञ के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दूसरी विशाल चौकी एवं भंडारे का आयोजन 9 जनवरी 2023 को किया जा रहा है। इसी संबंध में धाम के मुख्य सेवादार आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित की अध्यक्षता में सभी सदस्य दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से मुलाकात कर उन्हें इस चौकी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर आचार्य नरेंद्र, आचार्य हरिओम, संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, सरबजीत सिंह साबी, मक्खन सिंह, ज्योति चड्डा, पीयूष चड्डा, मोनू शर्मा, देवराज शर्मा, रणबीर सिंह राणा सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा, जहाँ हर शनिवार को महारानी माँ चंडी का दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया जाता है, जहाँ बहुत दूर दूर से भक्त जन आकर के महारानी का आशीर्वाद लेकर के और अपने जीवन को सफल बनाते हैं और हर तरह की परेशानियों से मुक्ति भी पाते हैं। निःशुल्क महारानी के लगभग 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे 9 जनवरी से। हर शनिवार को शाम को 6 बजे से माँ चंडी का यज्ञ प्रारंभ होता है, जिसमें तरह तरह के निःशुल्क प्रयोग, दीन दुखियों के सेवा के लिए यज्ञ कामना, ये सब कुछ किया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर 9 जनवरी दिन सोमवार को महारानी माँ भद्रकाली का विशाल चौकी एवं भंडारे का आयोजन कालिका धाम में किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज दैनिक सवेरा आदरणीय बाबू श्री शीतल विज जी को सारे सेवादार, कालिका धाम के सेवादार सब निमंत्रण देने आए हुए हैं। शाम को 6 बजे से महायज्ञ प्रारंभ होगा, 7-7:30 बजे तक महायज्ञ चलेगा। उसके बाद महारानी का भंडारे का आयोजन शुरू और महारानी का विशाल चौकी प्रारंभ होगा। इसमें बहुत ही धार्मिक और प्रसिद्ध गायक मुकेश इनायत जी आप सभी को महारानी के भजनों से कृतार्थ करेंगे। मेरा अनुरोध है, जितने भी भक्तजन सुन रहे हों, देख रहे हों, सभी 9 जनवरी को महारानी का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ कालिका का आशीर्वाद लेने के लिए कालिका धाम ज्योतिष में पहुँच करके भगवती का आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 तारीख को जो हमारी माता रानी की चौकी होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में आज हम दैनिक सवेरा संपादक शीतल विज जी को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। मेरे सारे सेवादार कालिका धाम के हमारे साथ हैं और हम सभी शहरवासियों को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 9 तारीख को माँ रानी की चौकी में आएं और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अनूपनगर जालंधर में साहिब ए कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग डाला गया, जिसके बाद पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस मौके पर प्रधान गुरुदेव सिंह देवी, जसबीर सिंह, दलजीत सिंह, धर्म सिंह, गोपाल सिंह, जसविंदर सिंह, हरदीप सिंह, कमलजीत सिंह, यादविंदर सिंह, सुखदेव सिंह, राममूर्ति, प्रभजोत सिंह, हजारा सिंह, कुलवंत सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी बांटा गया।
जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहूतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है जी, आप सबके सहयोग से, भोले बाबा की कृपा से, त्रिपुर मालिनी माँ की कृपा से, बगला मुखी माँ की कृपा से, स्वामी जी के आशीर्वाद से मंदिर के और पार्क के नवनिर्माण का कार्य 1 जनवरी को शुरू हो गया है। ये सब कार्य आपके सहयोग से, आपके साथ से और आपके साथ खड़े होने से ही संभव हो पाएगा। आप भी सब प्रार्थना करें कि भोले बाबा माता रानी कृपा करें कि उसका कार्य है, ये हमारा कुछ नहीं है, ना हम कुछ कर सकते हैं। हम तो कई सालों से सोच रहे थे मगर उन्होंने ही अपने आप करवाया है। ये भोले बाबा की मौज है, उन्होंने ये शुरू करवाया है। वे अपने काम को निर्विघ्नता से संपूर्ण करें और खुद माता रानी और भोले बाबा युगों युगों तक यहाँ विराजमान है। पिताजी की जो विरासत है इन्होंने संभाली है और आगे भी इनके जो बच्चा है वो भी ये विरासत संभाले, और जो ये एक भव्य मंदिर जहाँ बनने जा रहा है, आप सबने जो भी आप कोई अपनी तरफ से कोई भी दान दक्षिणा देना चाहता है तो वो सीधे प्रधान जी के पास आकर के आप वहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी कोई भी चीज़ आप देना चाहें तो जरूर दें। और माँ बगलामुखी का ये जो हवन है ये युगों तक चलता रहे, ऐसी ही हमारी आशा है और यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि देर सही लेकिन हम जो बनाएंगे जो करेंगे वो सबसे अलग करेंगे। और यहाँ इसी प्रांगण में शनिदेव जी का मंदिर होगा, भगवान हनुमान जी का मंदिर होगा, राधा कृष्ण जी का मंदिर होगा, राम दरबार होगा और भोले भंडारी और माँ बगलामुखी तो विराजमान है ही। आप सब इस बड़े कार्य में अपना सहयोग जरूर करना और माँ बगलामुखी का आज हवन यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं। आज चतुर्दशी है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, चतुर्दशी, अष्टमी और नवमी ये तीन ऐसी तिथियां हैं कि इसमें कोई भी कार्य अगर किया जाए तो वो शुभ होता है। और साथ में ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का और भी ज्यादा विधान है, इसलिए आपने पूरे मन से माँ भगवती का गुणगान करना है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अड्डा बस्ती दानिशबंदा जालंधर में दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग डाला गया, जिसके बाद पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस मौके पर मुख्य सेवादार बलवंत सिंह, जगदीप सिंह, बलवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, हरमनप्रीत सिंह, सुखविंदर सिंह, जोगिंदर सिंह, मनदीप सिंह, जसबीर सिंह, परमजीत सिंह, जोगिंदर सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। सरबंस दानी धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब जो कि पूरे जगत विच बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इस दे संबंध विच गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मेन अड्डा बस्ती दानिशबंदा विखे एक प्रोग्राम रखा गया सी, जिस विच गुरु दी संगतां ने हाजरी भरी। सवेर तो ही कीर्तन दरबार चल रहा सी, जिस विच उचेचे तौर ते भाई साहब खजा सिंह खालसा, खजिंदर सिंह खालसा जी ने
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਏਵਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਕੇ ਸਮਧੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨੋ ਮੇਂ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਹੈ, ਜਿਨਕਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੇਂ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਉਨਕੇ ਬੇਟੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ 70 ਵਰਸ਼ੀਏ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਵਰਗੀਏ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ NS ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰ ਬੇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਥੇ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਰਹਿਕਰ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਚਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰੋ ਸੇ ਵੇ ਸਭੀ ਕੋ ਜੋੜਤੇ ਰਹਿਤੇ ਥੇ। ਉਨਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ITO ਅਸ਼ੋਕ ਮਲਹੋਤਰਾ, BJP ਦਿਹਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ, ਵਿਪਿਨ ਬਹਿਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਕੋਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਗੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਗਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਦੱਸਿਓ ਮੇਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਨੂ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ੂ ਸਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਏਵਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਸੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕੋ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਕੋ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ। महानगर के समय समय पर होने वाले धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान डालने वाले जाने माने उद्योगपति तथा ट्रेसर शूज के मालिक नितिन कोहली के पिता बालकृष्ण कोहली का गत दिवस देहांत हो गया था। वे जयंती ब्रांड को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले स्वर्गीय बालकृष्ण कोहली हमेशा स्पोर्ट्स गुड्स कारोबार में शामिल होने वाले नए लोगों को उत्साहित करते थे। इन्होंने जालंधर को क्रिकेट और हॉकी में इंटरनेशनल ब्रांड दिए। स्वर्गीय बालकृष्ण कोहली की आत्मिक शांति रस्म उठाला हेतु देशभक्त यादगार हॉल जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, रमेश मित्तल, नरेश मित्तल, अशोक मित्तल, सोमनाथ, आर के महाजन, मनोरंजन कालिया, प्रोफेसर विपिन जांची, डॉक्टर पवन गुप्ता, राजेश विज, भूषण कोहली, सतीश जैन, राजन मागो, भवनूर सिंह बेदी, डॉक्टर सतनाम सिंह, विमल जैन, अनूप बोहरी, तिलक खिंदर, अमरीक सिंह घई, सोनू डेसी, राजेंद्र बेरी, अजय चड्डा, सुनील धवन, गुलशन शर्मा, गौरव चोपड़ा, राजेश जैन, रमन जैन, विनय जैन, पप्पू खोसला, अमित कुकरेचा, राजीव चोपड़ा, संजू अरोड़ा, अजीत रखेजा, नीलकंठ जज, डॉक्टर कमल गुप्ता, अजय पुरी, अमित सहगल, सांसद संतोख सिंह चौधरी, गुरचरण सिंह चन्नी, सतनाम बिट्टा, रमन पब्बी, विपिन चड्डा, अमरजीत सिंह अमरी, चौधरी राम कुमार, दीपक बाली, तरुण सिक्का, किशन लाल खंडवाले, विधायक रमन अरोड़ा, सुनीता रिंकू, दिनेश शर्मा, विधायक प्रगट सिंह, शाशव मित्तल, अमर मित्तल, अनुमाटा सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय बालकृष्ण कोहली को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
was only second to his love for Gaires, a man who was all about the little things in life. Our daddy would bring us flowers from the park on our birthdays. The freshness of the flower was overpowered by only two things, the huge smile on his face and the warmth in his hug. When we were little, Daddy would take all the kids to the park almost every night. He would do his post-dinner walk while we would all play on the swings. Then after completing each round, he would check up on us, smile, and just let us know that he was there for us. He would be the first person to call in when he'd find out one of his children was sick. Daddy played a huge role in giving us the best childhood memories. He would make sure all festivals were celebrated well by walking us down to the market and buying us crackers and colours. Sundays were full of lounging, playing cards and watching old Hindi movies, especially his favourite No Entry. He was always there for us, with us. And he'll always be there even now, alive in all of us. Daddy created a legacy in his brand, Vijayanti. He toiled hard to build something that a personality like Shah Rukh Khan would go on to use in Chak De India and many Indian hockey team captains in some of their important matches. He had the courage to call out wrong. He had the innocence to not cheat and sweep, no matter how much all of us instigated him. Daddy's righteousness will live on. Daddy's simplicity will live on. Daddy's discipline will live on. Today, as his soul moves on to the next phase of journey, he has left behind something priceless. I hope we embody his zest for life, his willingness to learn, and his wisdom through his writing. He has left a piece of his heart in those writings, and we have printed a few copies to share with you all. Thank you everyone for coming here. Seeing you all makes us realize how many lives he has touched. Let's celebrate his legendary life and wish his soul all the peace. Thank you, Daddy, for everything. We love you, Daddy. And please, after Pagdi, we request you all to kindly have tea and coffee. You would love it. So please stop for a little bit tea, little bit coffee, whatever you love. So definitely stop by. And thank you again, everybody, for your presence. Namo Namaha. Aaj aap जिस व्यक्तित्व के लिए यहाँ एकत्रित हुए हो, वह व्यक्तित्व कोई सहज व्यक्तित्व नहीं था। उन पंच तत्वों के माध्यम से आप रूबरू हो लेते थे। आज उनमें वो तत्व नहीं है, इसलिए आप उनके औचित्य को पुष्प अर्पण करके आज अंतम रसम जो व्यक्तिगत होती है देने के लिए पुष्पांजलि रूप से, श्रद्धांजलि रूप से आप एकत्रित हुए। इससे यह दिखाई तो देता है कि उनका जब भी मिलते थे हंसमुख चेहरा, अभी हमको थोड़े दिन पहले ही मिले, लेकिन इस परिवार ने हर धर्म क्षेत्र में ऐसे भाव से, सब प्रकार से, धन से सेवा, मन से सेवा, तन से सेवा करते हुए अपना ये शरीर रूप से साकार कर दिया है। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की रिटेल श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने पंजाब में अपने नए स्टोर का उद्घाटन मसंत चौक डेरा सत करतार के सामने मॉडल टाउन जालंधर में किया, जिसका शुभारंभ विधायक रमन अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। 4300 वर्ग फुट रिटेल एरिया में फैला नया स्टोर एक शानदार माहौल पैदा करता है, जो ग्राहकों को शुद्ध सोने और हीरे की दुनिया में पूर्ण रूप से मंत्रमुग्ध हो जाने पर विवश कर देता है। ये स्टोर उत्तम सोने के आभूषण, कुंदन आभूषण, शाही प्राचीन आभूषण और कीमती रत्न और स्टोन प्रदान करता है, तो वहीं 50,000 रुपये और अधिक मूल्य की गोल्ड ज्वेलरी एवं 25,000 रुपये और अधिक मूल्य की डायमंड ज्वेलरी की प्रत्येक खरीद के साथ लॉन्च ऑफर के हिस्से के रूप में ग्राहक को एक सुनिश्चित सोने का सिक्का मुफ्त मिलेगा।
इस मौके पर राजकुमार मदान, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रमेश मित्तल, पार्षद सुनीता रिंकू, सीमा गल्होत्रा, सावन मदान, वर्तिका मदान सहित शोरूम के मालिक व सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मालाबाग ज्वेलरी शॉप्स वाले दी कैमरे सारे फेस करे पंजाब दे विच साडा तीसरा शोरूम जलंधर दे विच खुलिया। ये जलंधर वास्ते बड़ी मान दी गल है। इस तो पहला लुधियाने दे विच, फिर चंडीगढ़ दे विच ये पहला शोरूम खुले, आज तीसरा शोरूम साडे जलंधर दे विच खुलिया। इस तो पहला नॉर्थ इंडिया दे विच 21वां शोरूम और पूरे वर्ल्ड दे विच ये 298वां शोरूम खुलिया गया। ये जो मालाबार कंपनी वाले ने साढ़े जलंधर वास्ते एक विश्वास जताया कि क्योंकि प्योरिटी जड़ी है, प्योरिटी का दूसरा नाम मालाबाग ज्वेलरी शॉप है। और सारे जलंधर वासियों पूरे पंजाब वासियों मेरी अपील है कि ओरिजिनल और सही गोल्ड और डायमंड खरीदने वास्ते साढ़े जलंधर मसंद चौंक के जो साडा शोरूम खुलिया उत्थे सारे जरूर आओ। मैं अपने वालों और अपने परिवार वालों इस कंपनी ने बहुत बहुत बधाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मलसिया की मॉडल टाउन कॉलोनी में राजीनामे के दौरान चली गोलियां, चार लोग हुए घायल। संगरूर पुलिस ने राजस्थान से चूरा पोस्त ला रहे एक व्यक्ति को किया काबू, 31 क्विंटल 8 किलो चूरा पोस्त किया बरामद। जालंधर के अधीन आते फिलौर में एक स्विफ्ट कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी तरफ से आ रही स्कॉर्पियो और एक्टिवा से टकराई, तीन लोग हुए गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।